अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो है बहुत ही आसान और सादे से डिज़ाइन, जो कि काटन के या फिर नॉर्मली आप कोई भी घर में खुद कपड़ा सिलाई करने वाले हो तो उसके ऊपर आप बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बनाने वाले हैं ये गोल गला। गोल गले की गोल गला अगर आपने घर में बनाना है तो उसकी कटिंग का तरीका क्या होगा, पेपर पट्टी पर आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने इसकी लेंथ ली है 7.5 इंचज़। लेंथ जो है एक नॉर्मल गले की लेंथ है, जो ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना ही बहुत ज़्यादा छोटा होता है। और इसकी जो चौड़ाई रखी जाती है वो 4 इंचज रखी जाती है। तमाम गले जो हम बनाएंगे उनकी चौड़ाई हम 4 इंचज ही रखेंगे। सबसे पहले हमने 7.5 इंचज लेंथ लेने के बाद और 4 इंचज हमने इसकी चौड़ाई लेने के बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है तो उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने जो इसकी डिज़ाइनिंग करनी है उसके निशान लगाने लगी हूँ। 3 इंचज के ऊपर सबसे पहले निशान लगाएंगे, उसके बाद 5.5 इंचज़ के ऊपर इसके निशान लगाएंगे। उसके बाद फिर अगेन हम लोग लेंगे 3 इंचज़ निशान लगाएंगे, और दोनों 3 इंचज़ के जो निशान हमने लगाए हैं उनको 5.5 इंचज़ लेते हुए उनको आपस में मैच कर देंगे। तो इस तरीके से एक डिब्बे की शेप हम इसको दे लेंगे। डिब्बे की शेप देने के बाद इस यहाँ पे हमने लगाना होता है गुलाई में ऐसे लाइन लगानी है। अब यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ी सी वी शेप देना चाहते हैं, ये गुलाई में आपने लाइन लगा ली है, नीचे अगर आप थोड़ी सी इसको वी शेप देना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से नीचे भी लाइन ला सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लाएंगे तो ये थोड़ी सी वी शेप में भी आ जाएगी, लेकिन हम इसको कट करेंगे गुलाई की शेप में क्योंकि हमने बनाने वाले हैं गोल गला। ये गोल गले की कटिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है, नेक्स्ट गले की तरफ चलते हैं। उसके बाद आपके साथ ये वाले गले का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसमें सबसे पहले हमने जो गले की लेंथ लेनी है वो 7.5 इंचज़ लेंगे। तमाम जितने भी गले मैं आपके सामने आपको कटिंग करके बताऊँगी तमाम की लेंथ हम जो है 7.5 इंचज़ रखेंगे। 7.5 इंचज़ इसकी लेंथ लेने के बाद नंबर 2 पे हमने लेनी होती है इसकी विड्थ। विड्थ आप कहीं से भी ले सकते हैं, नीचे से, दरमियान से, ऊपर से, कहीं से भी आप इस गले की विड्थ जो है इसकी चौड़ाई जो है आप रख सकते हैं। 4 इंचज़ हम गले की हमेशा चौड़ाई रखते हैं एक नॉर्मल गले की, जो ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना ही बहुत ज़्यादा छोटा होता है। नॉर्मल साइज़ का जो गला है वो उसकी लेंथ और विड्थ इतनी ही रखी जाती है। ये गले की हमने कटिंग जो है हमारी लेंथ और विड्थ हमने ले लिया। उसके बाद हमने इसका डिज़ाइन की जो हमने लेनी होती है मेजरमेंट वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 6 इंचज़ के ऊपर निशान लगाएंगे, इसकी लंबाई हम लेंगे 6 इंचज़ के ऊपर निशान लगाने के बाद। उसके बाद हमने एक डिब्बे की शेप इसको देनी है तो यहाँ पे हम इसको रखेंगे 3 इंचज़ के करीब आप इसका निशान लगाएंगे यहाँ पे, और इसी तरीके से यहाँ पे भी 3 इंचज़ के ऊपर निशान लगा लेते हैं तो इसको एक डिब्बे की शेप दे लेते हैं। डिब्बे की शेप देने के बाद अब आप देखेंगे मैं सीज़र को किस तरीके से इसको शेप में लेके आती हूँ, सीज़र से कैंची की मदद से हम इसको किस तरीके से शेप में लेके आते हैं। वी शेप और थोड़ा सा कट वाला ये डिज़ाइन होगा। ये दूसरा गला जो है वो भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। इसी के से आप जो है ये वाला गला जो है आप कट कर सकते हो, जिसको बनाना ही था, ये आसान और देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला गला, वी गला जिसको आप कह सकते हैं, ये वी गले की शेप है। तो इसको कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसके लिए भी सबसे पहले हमने लिया है गले की लंबाई ली है। गले की लंबाई जो है पेपर पट्टी की लंबाई जो है वो 7.5 इंचज़ हम रखेंगे। रखने के बाद हमने इसकी चौड़ाई जो है 4 इंचज़ के करीब रखेंगे, और वो आप पेपर पट्टी की किसी भी साइड से आप इसकी चौड़ाई जो है ले सकते हैं।
अगर आप बड़े गले पहनते हैं, थोड़े बड़ा गला अगर आपको पसंद है, तो फिर आप लंबाई और चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। अब हमने गले की जो डिज़ाइन हमने करना है, कट करना है, उसकी हम लगाएंगे, निशान लगा लेते हैं। अगेन हम 3 इंचज़ के ऊपर निशान लगाने वाले हैं, दोनों साइड्स के ऊपर 3 इंचज़ के ऊपर हमने निशान लगा लिए। उसके बाद जो निशान हमने लगाए थे, उन दोनों निशान को हमने आपस में मैच कर लिया। उसके बाद आपने इसको लेके आना होता है वी शेप में। ये थोड़ा सा कट वाला जो वी शेप गला होता है वो हमने तैयार कर लिया। 3 गले के डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अपना पर 4th पे चलते हैं और आपको बताती हूँ कि बेस डिज़ाइन का जो गला होता है, अगर उस तरीके उस गले को अगर आपने बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने ली है इसकी चौड़ाई, ये कपड़ा हमने ले लिया जो हमने रखेंगे 5 इंचज़ के करीब। कपड़े की जो पेपर पट्टी की चौड़ाई हमने रखी है वो 5 इंचज़ रखी है, और उसकी लंबाई जो है वो भी 5 इंचज़ हमने रखी है। लंबाई और चौड़ाई सेम लेने के बाद कटिंग मुकम्मल कर ली है। उसके बाद इसको शेप देने वाली हूँ। ये जी, ये हमारा जो है बे डिज़ाइन का गला जो है वो हमारा बन चुका है। सबसे पहले मैंने आपको गोल गला बनाना बताया था, बहुत आसान सा सादा सा गोल गला। और नंबर 4 पे मैंने आपको बताया कि बे स्टाइल का गला अगर आपने बनाना है तो कैसे बनाएंगे। और अब हम बनाएंगे ये वाला डिज़ाइन। ये भी बहुत ही आसान और सादा सा तरीका है इसको बनाने का। सबसे पहले हम लेंगे लेंथ और उसके बाद लेंगे विड्थ। इसको रखेंगे, विड्थ को हम रखेंगे 4 इंचेस। उसके बाद लेंगे लेंथ जो कि हम रखेंगे 7.5 इंचेस, 7.5 इंच के करीब हम इसकी लंबाई लेंगे, और चौड़ाई हम रखेंगे 4 इंचेस के करीब। अब यहाँ पे हम इसके जो कट हमने बनाना है, इसको कट वाला डिज़ाइन हमने जो देना है वो कट बनाने लगे। उसके डिज़ाइन आप मार्कर की मदद से कैसे बनाएंगे वो देखें।
इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो जाता है। टोटल 5 कलर मैं आपको बता चुकी हूँ, उनके डिज़ाइन शेयर कर चुके हैं। नंबर 6 पे आपको बताती हूँ कि ये बहुत ही आसान और बिल्कुल वी शेप का गला अगर आपने घर में बनाना है तो उसका मुकम्मल तरीका क्या होगा। सबसे पहले मैंने इसकी चौड़ाई लेने वाली हूँ जो कि हम रखेंगे 3 इंचेस के करीब, और इसको एक डिब्बे की शेप हम देने वाले हैं। उसके बाद 6 इंचेस के ऊपर मैंने निशान लगाया। 6 इंचेस के ऊपर निशान लगाने के बाद फिर जो है हम अगेन हम 3 इंचेस के ऊपर निशान लगाएंगे, इसकी चौड़ाई लेंगे। ऊपर जो हमने पहले 3 इंचेस निशान लगाया था और दूसरा 3 इंचेस निशान लगाया था, दोनों को आपस में मैच करके एक डिब्बे की शेप हमने इसको दे ली है। डिब्बे की शेप देने के बाद अब हमने यहाँ पर इस स्टाइल में इसको कट करने वाले हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं इसको ना ऊपर जब वी शेप आपने बना ली है, थोड़ी सी इसको यहाँ पे ना गुलाई की शेप में देने वाली हूँ, थोड़ी सी बस इस तरीके से। इस तरीके से ऊपर तो हमने वी शेप दे ली थी, नीचे हम इसको गुलाई की शेप में ले आए हैं। नीचे जो गुलाई की शेप मैंने दी है ना उसके मुताबिक हम कटिंग करेंगे। फाइनली जो है हमने गला कट कर लिया। तो जरूर ट्राई कीजिएगा तमाम डिजाइन को अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।